चलिए देखिए, दर्शाए किसी संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो पहले क्या करना, संभावित त्रिभुज मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर। इक्वल होंगी। तो पहले डायग्राम बना लेना, ऐसा बनाना कि सभी भुजाएं इक्वल दिखें। बन गई ना? तो दिया है संभावित त्रिभुज एबीसी, संभाव त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में क्या है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए सी, क्योंकि सभी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगी। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, ज्ञात करना है प्रत्येक कोण कितने अंश का, 90 अंश। ये एंगल 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 अंश, ये ज्ञात करना है। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, अब उत्पत्ति प्रूफ कर रहा हूँ, रैपिड टू प्रूफ लिख दिया हूँ। ठीक है, चूंकि संभाव त्रिभुज की सही भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर बराबर इक्वल एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो क्या होंगी, बराबर। जहाँ लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ए बी एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी। त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है, 180। हाँ, चूंकि लिख देना, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सभी को रख दो यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। सभी इक्वल है ना, एक कोई लिख लो बार बार, कितने हुए, 3। थ्री एंगल इज 180, तो एंगल इज इक्वल क्या होगा, 3 डिवाइड करो कितना आया, 60। तो सच दैट, अतः कर देना लास्ट में, देयर फॉर अतः एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल कितना, 60।